लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बस दुर्घटना के समय यात्रियों को सुरक्षित निकालने और उनके उपचार के तरीके अजमाने के लिए मंगलवार को नया चक्की पुल के पास NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मॉक ड्रिल की गई। NDRF के कर्मचारियों ने पुल से नीचे गिरी बस तक पहुंचकर बस के पीछे से लोहे के ग्रिल काटकर यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकालने का लाइव डेमो दिया। इसके अलावा मॉक ड्रिल में फायर ब्रिगेड, हेल्थ डिपार्टमेंट व स्थानीय पुलिस ने भी हिस्सा लिया। चक्की दरिया में बस गिरने की सूचना के बाद NDRF की टीम मंगलवार सुबह करीब 10 बजे घटना स्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान NDRF की टीम जवानों ने कम अलांग लिफ्ट से नीचे उतरकर बस में सवार 7 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का लाइव डेमो दिया। बस में सवार सभी यात्रियों को बाहर निकालने के बाद SMO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहुंची हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने घायलों की जांच की। जानकारी देते हुए मॉक ड्रिल के नोडल अधिकारी पंजाब रोडवेज के AME अरविंद शर्मा ने बताया कि आज मॉक ड्रिल के में NDRF फायर ब्रिगेड, हेल्थ डिपार्टमेंट व स्थानीय पुलिस की तरफ से चक्की पुल से नीचे गिरी बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए ड्रिल की गई है। इसमें काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। साथ NDRF की कंपनी कमांडर ओम प्रकाश ने बताया कि मॉक ड्रिल में उनकी टीम को नए चक्की पुल से दुर्घटनाग्रस्त होकर चक्की दरिया में गिरी बस में सवार 7 यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ड्रिल के अनुसार उन्होंने सूचना मिली कि बस पुल से नीचे गिर गई है और उसमें 7 यात्री सवार हैं, जिन्हें उनकी टीम ने कम अलांग लिफ्ट से नीचे उतरकर बस के पीछे की लोहे की ग्रिल काटकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का लाइव डेमो दिया। सिविल अस्पताल पठानकोट के AMO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया, SDRF के साथ मॉक ड्रिल में उनकी टीम ने काफी कुछ सीखने को मिला और वे समय समय पर ऐसी मॉक ड्रिल अस्पताल के डॉक्टर व अन्य कर्मियों से करवाते रहेंगे। NDRF वालों मॉक ड्रिल चलाएंगे जिसके बस एक्सीडेंट में कवर करने जी सारी टीम तैनात की गई है, जिसे डॉक्टर भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है और जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स होंगे जो पिकअप करने सारे है विदाउट मेडिसिन और स्ट्रेचर्स वगैरह और जो भी सप्लिट्स वगैरह होंगे। असं अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं और यही भी चाहते हैं कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी होंगे उदो सब तो पहला जी कॉल जी है वो हॉस्पिटल और फायर ब्रिगेड में जाती है। सो मैं चाहना कि साडा स्टाफ जो पूरी तरह ट्रेन होना चाहिए ताकि जल्दी तो जल्दी पहुंचे और जल्दी तो जल्दी जो है कवर कर सके। इसे ट्रेनिंग लिए सारे।